पनीर की सब्जी तो आपने बहुत बनाई होगी, एक बार आप ऐसे भी ट्राई कीजिए। जिसके लिए मैं यहाँ पे 3 प्याज को बहुत बारीक कट करके भून लेती हूँ। मतलब आपने पनीर बटर मसाला शाही पनीर बहुत खाए होंगे, लेकिन ये भी एक बार ट्राई कीजिए, बहुत डिफरेंट टेस्ट और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसे मैं सरसों के तेल में ही भून रही हूँ, और जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर ना आ जाए, ऐसा लगेगा जला जला जैसा प्याज है, तब तक मैं इसे भूनूंगी। अब गैस ऑफ करके इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं तेल गरम कर ली हूँ, और यहाँ पे कटे हुए पनीर जो है वो मैं इसे हल्का फ्राई कर लेती हूँ। बहुत डीप फ्राई नहीं करना, बस शैलो फ्राई, मतलब थोड़ा पनीर का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तब तक मैं इसे भून लूँगी। लेती हूँ बीच बीच में एक दो बार मैं चला भी लूँगी, ताकि दोनों साइड कलर जो है वो अच्छा वाला आ जाए, थोड़ा गोल्डन कलर का आ जाए। परफेक्ट कलर हो गया है, तो यहाँ पे मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और पनीर को निकाल देती हूँ। अब जो प्याज जो भुना हुआ है उसे मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मिक्सर जार में भुना हुआ प्याज डाल दे रही हूँ, और साथ ही काजू डाल रही हूँ और दही डाल रही हूँ। दही जो है अंदाज से डालेंगे, और काजू भी है, आप कम तो नहीं कीजिए, ज़्यादा करने से टेस्ट अच्छा आएगा। करीब 15-20 काजू तो देना ही होता है, और दही करीब आधा कटोरी डालना है, और इसे मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो पेस्ट बनाने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसे ही मैं 2 टमाटर का यहाँ पे प्योरी भी तैयार कर ली हूँ, मतलब नॉर्मल मिक्सी में पीस ली हूँ। अब उसी फ्राई पैन में मैं तेल डाल रही हूँ, साथ ही इलायची, लौंग और दालचीनी डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा भून लेती हूँ, मतलब कुछ सेकेंड के लिए, ताकि अच्छी वाली खुशबू आने शुरू हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे पिसा हुआ टमाटर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और इसे करीब मैं 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ, ताकि टमाटर का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। अब यहाँ पे मैं कुछ मसाला ऐड करूँगी। तो सबसे पहले तो हल्दी पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, डाल रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग कमर ज़्यादा कर सकते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर सभी को मैं मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा भून लेती हूँ। वापस से मैं यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ। धनिया पाउडर जो है घर का पिसा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। बस नॉर्मल धनिया को रोस्ट करके उसे पीस लेती हूँ ठंडा होने पे। तो यहाँ पे ये मसाला रेडी हो गया, और जो मैं प्याज का मसाला तैयार की थी फ्राइड मसाला का, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मसाला ऑलरेडी प्याज ये जो है भुना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भुनना नहीं होता है, करीब 2 से 4 मिनट, मतलब 5 मिनट रख लीजिए, लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ देखिए कलर जो है वो चेंज भी हो रहा है, और मैं इसमें नमक भी थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी हूँ मसालों के साथ। इसी जगह पे मैं थोड़ा दूध डाल रही हूँ, दूध आधी कटोरी डाल रही हूँ, मतलब फ्लेम को थोड़ा लो ही रखना है, ज़्यादा हाई करके नहीं भूनना है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ दूध के साथ, मसाला जिससे बहुत गाढ़ा हो जाए और टेस्ट भी बहुत रिच आ जाए, बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है। ढक कर मैं लो फ्लेम पर इसे भून लेती हूँ, और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी को हाथ से मसल के डाल दे रही हूँ, जिससे मेथी की अच्छी वाली खुशबू भी आनी और टेस्ट भी आए। तो यहाँ पे मैं लगातार चलाते हुए इसे भून लेती हूँ, ढक ढक के भुनना होता है। अब इस जगह पे मैं जो थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी अभी बहुत थिक है, तो थोड़ा पानी डालकर, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ग्रेवी को थोड़ा लूज़ करूँगी, सेमी ग्रेवी टाइप से रखूँगी, और वापस से मैं इसे ढक कर एक बार सेक लेती हूँ। अब यहाँ पे जो भुने हुए पनीर है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और एक बार अच्छी तरह मैं चला लूँगी, काफ़ी अच्छे से इसे चला लेती हूँ, मिक्स कर लूँगी, और ढक कर एक बार वापस से पका लेती हूँ, ताकि पनीर भी जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और मसाला में घुस जाए। बस गैस को ऑफ कर देना, ज़्यादा पकाना नहीं है, और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म पराठा, नान, रोटी, पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसे आज मैं तो गर्मा गर्म नॉर्मल रोटी के साथ खाने वाली हूँ, जिसके टेस्ट आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी। आप अगर घर में पार्टी भी प्लान कर रहे हैं, वेज रेसिपी ढूंढ रहे हैं, तो ये वाली पनीर की सब्जी ट्राई कीजिए, बहुत नया यूनिक टेस्ट आएगा। होप आपको यह रेसिपी भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।